न्यूज इंडिया के खबरों की इस खास बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ प्रियांशी श्रीवास्तव। तो आइए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। ताला तोड़कर चोरों ने लाखों की चोरी। जी हां, यूपी के जनपद कासगंज के सदर कोतवाली ढोलना के क्षेत्र में शाम 7:30 बजे चोरों ने खेमकरण के घर में घुसकर 1 लाख रुपए की चोरी कर ली। खेमकरण की पत्नी सोनावती जब घर का ताला खोलने गई तब उसने देखा कि घर पर कोई न होने पर चोर घर में घुस गए थे और उनके आने पर चोर 1 लाख रुपए लेकर भाग गए। उनकी चीख पुकार सुनकर गांव के लोग इकट्ठे हो गए। उसके बाद टूटा ताला देखकर सभी के होश उड़ गए, जिसके बाद उनके लड़के ने 112 नंबर पर कॉल किया। तब तक चोर भाग चुके थे। रात को एप्लीकेशन कोतवाली सदर ढोलना में दे दी गई है। पुलिस ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की। देखिए कासगंज से संजय सिंह की यह रिपोर्ट। भैया क्या नाम है आपका? सर ये ढोलना में चोरी हुई है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? दूसरी बार जो चोरी हुई है सर, पुलिस की निष्क्रियता के कारण लगातार वारदात हैं, बढ़ती जा रही हैं। चोरी की ढोलना में ये दूसरी तीसरी वारदात है और ये छोटी मोटी वारदात नहीं है सर। कब तक हम लोग इस तरह से, अब पुलिस से कहते हैं पुलिस सुनती नहीं है हमारी। अच्छा, ये करीब 1 लाख रुपए की चोरी है बताया जा रहा है। हाँ, ज्यादा की ही है सर। चोर ने की दिन दहाड़े चोरी की वारदात। जी हां, यूपी के सुल्तानपुर जिले के थाना कुरेभारपुर के अंतर्गत अपराधियों के हौसले हो गए हैं बुलंद। थाने से महज चंद कदमों की दूरी से ही दुकानदार से ठगी कर लूट गया 1.5 लाख नगद। जी हां, घटना थाना क्षेत्र कुरेभार के बगल SBI बैंक के सामने स्थित एकता पावर सॉल्यूशन इन्वर्टर की दुकान का है, जहां ज्ञान प्रकाश मिश्र की दुकान पर लगभग 10:15 बजे कुछ लोग बैटरी का पानी लेने के बहाने झांसा देकर दुकान के ड्रॉवर से पैसे का बैग लेकर फरार हो गए। जानकारी देते हुए ज्ञान प्रकाश मिश्र ने बताया कि अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध तहरीर थाने में दी गई है। सवाल तो यह उठता है कि 24 घंटे पुलिस की निगरानी में रहने वाले स्टेट बैंक के सामने से ही ऐसी घटना होना चिंता का विषय है। देखिए कुरेभार से महेंद्र कुमार सिंह की यह रिपोर्ट। नाम क्या है भैया? ज्ञान मिश्रा। ज्ञान मिश्रा भैया, सुनने में आ रहा है कुछ आपको चोरी हो गई है, क्या कैसे हुआ? जी भैया, चोरी हो गई है। सुबह 10 बजे हमारी दुकान खुली। हाँ। उसके बाद इसमें साफ सफाई होने के बाद में हमारे स्टाफ, हमारे पिताजी दोनों थे। उसके बाद थोड़ी देर बाद 10:30 बजे के करीब हम इन्वर्टर बैटरी लेके, कर हम इन्वर्टर बैटरी का काम करते हैं, तो इन्वर्टर बैटरी लेके चले गए थे इन्वर्टर बैटरी लगाने ये संतराम शुक्ला जी के यहाँ। तो वहाँ से करीब पौन घंटे बाद मैं वापस आया तो देखा कि हमारी दुकान पे 10 डिब्बा जो बैटरी का पानी होता है वो बंधा रखा हुआ है और 1 डिब्बा और थोड़ा सा सामान दुकान के अंदर है। पिताजी, हमने पूछा कि पिताजी ये क्या है? वो करे कस्टमर आया है कि ये सामान लेके जाने वाला कहीं गया है। थोड़ी देर बाद हमें जो है पैसा बैंक में जमा करने के लिए हमने कहा पैसा निकाल दो, पैसा जाके जमा करते हैं, तो देखते हैं कि उसमें पैसा नहीं है। उसके बाद पूरी जानकारी ली जाता है कि एक कस्टमर आया था, पहले वो 1 डिब्बा पानी लिया, 200 रुपये एक नोट दिया, जब उसमें से 200 रुपये 160 रुपये उसको वापस किया गया तो जो रैक खुली वो खुली रह गई, उसी में रख दिया गया। उसके बाद वो पिताजी को, हमारे भरमा के 80-85 साल के हमारे पिताजी हैं, उनको दुकान से बाहर किया, कुछ बहाना बना के हमें 10 डिब्बा पानी लेना है, उसके चक्कर में हमारे पिताजी बाहर आए। उसके बाद से वो बैग हाथ से लेके वो चला गया। क्या आप जानते हैं वो कौन सा व्यक्ति? नहीं भैया, हम पहचानते नहीं हैं, वो यहाँ का आदमी नहीं। क्या CCTV कैमरा लगा है दुकान? नहीं भैया, CCTV कैमरा नहीं है। आपने कोई सूचना थाने में दी? हाँ, एक तहरीर मैंने थाने में दी है। अभी उस पर लिए दरोगा जी आए थे, पूछ पाछ के हमारा नाम हम सब लिख के गए हैं। अब आगे की कार्रवाई क्या होगी अभी कुछ अपडेट। क्या चाहते हैं आप शासन प्रशासन से? हम यही चाहते हैं कि हमारा जो खोया हुआ धन है वो मिले। कितना लगभग कितना आपका नुकसान हुआ है? लगभग 1.5 लाख रुपए। किसानों ने तौल सेंटर के लिए DCO को दिया ज्ञापन। जी हाँ, 9 सितंबर को यूपी के जिला पीलीभीत के थाना पूरनपुर के ग्राम तिलावरपुर में गन्ने का सेंटर लगाने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि कुछ किसानों का कहना है कि मकसूदापुर फैक्ट्री का सेंटर लगाया जाए। वहीं अधिकतर किसानों का कहना है कि पीलीभीत का सेंटर लगे। इसी बीच LH सुगर फैक्ट्री पीलीभीत के गन्ना प्रबंधन जितेंद्र सिंह ने ग्राम दिलावरपुर में मीटिंग कर लोगों की दिक्कत वो परेशानियों को सुना। इनके माध्यम से कृषकों ने
डीसीओ के को दिए ज्ञापन में कहा कि हम मकसूदापुर फैक्ट्री को गन्ना नहीं देंगे, इसके बजाय हमें भले ही गन्ना कोल्हू पर देना पड़े या प्राइवेट बेचना पड़े, हमें तो सिर्फ एलएच सुगर फैक्ट्री का ही टॉल सेंटर चाहिए। देखिए पुरनपुर से विनोद कुमार वर्मा की यह रिपोर्ट। फिर भी हमारी कोई अगर कमियां रही हो तो आप स्वतंत्र हैं, आप बता सकते हैं कि ये आपकी कमी रही है, इस कमी में आपको सुधार करना है, ठीक है जी। और रही बात आपके सेंटर की, यहाँ पे लोग मकसूदापुर चीनी मिल के भी लोग कुछ ढूंढ रहे हैं, आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कुछ खास लिखा के कोई निशानी वाणी करा रहे हैं, इधर उधर खास कार मार रहे हैं। आपको बता देना चाहता हूँ, किसी का बहकाव में आने की जरूरत नहीं है, आपकी अपनी चीनी मिल एलर्ज है। सदैव किसानों के लिए गन्ना विकास से संबंधित, चाहे वो खाद हो, चाहे वो कोई कीटनाशक दवाई हो, चाहे कोई भी जानकारी हो, समय समय पर हम हमारे सबोर्डिनेट में आप लोगों को समय समय पर जानकारी देते आए हैं। और मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे जो आज सभा में किसान भाई इकट्ठा हुए हैं, उनको मेरा यही निवेदन है कि चीनी मिल अपनी है, चीनी मिल आपकी है, और चीनी मिल आपकी ही चीनी मिल का सेंटर लगेगा, हमें आने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। और बाकी किसी भाई की कोई समस्या है। स्वदेशी हिंद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन दिया। जी हां, यूपी के जनपद के थाना कासगंज क्षेत्र में आज स्वदेशी हिंद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को सौंपा, जिसमें प्राइवेट स्कूल के बच्चों से मनमानी फीस लिए जाने के संबंध में एवं प्राइवेट अध्यापकों को वेतन के रूप में आर्थिक सहायता दिए जाने के संबंध में बातें कही गई हैं। आपको बताते चलें कि कोरोना महामारी के चलते पूरा देश त्रस्त है, वहीं प्राइवेट विद्यालयों के स्टाफ लोगों की जेब ढीली करने की तैयारी में लगा हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि कोरोना के चलते लॉकडाउन के दौरान सभी अभिभावक आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, ऐसे में फीस भर पाना उनके लिए मुमकिन नहीं है। इसी कड़ी में स्वदेशी हिंद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार से मांग की है कि प्राइवेट स्कूली बच्चों की फीस माफ कराई जाए और प्राइवेट अध्यापकों को वेतन के रूप में आर्थिक सहायता दी जाए। देखिए कासगंज से संजय सिंह की यह रिपोर्ट। जो कोविड 19 के चलते हुए विद्यालय संचालक जो हैं वो बच्चों से अनावश्यक तरीके से फीस वसूली कर रहे हैं, जिससे बच्चे विद्यालय में भी नहीं आए, उनके अभिभावकों को जो फीस देनी पड़ रही है, अनावश्यक बाहर से गुजर रहे हैं। इसलिए मैंने ये ज्ञापन दिया है कि ये विद्यालय संचालक जो है इनसे अनावश्यक तरीके से फीस की वसूली ना करें, और जो अध्यापक हैं उन बेचारों को कोई कहीं से सुविधा नहीं मिल रही तो उनको सरकारी तरफ से कुछ जो है सुविधा मिले, पैसे मिले, जिससे उनका रोजगार की तरफ से खाना खर्चा चल सके। वो तहसीलदार कासगंज को दिया था हमने, माननीय डीएम महोदय नहीं मिल सके थे इसलिए। किसान विरोधी बिल के संबंध में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। जी हां, यूपी के जनपद कासगंज के थाना कासगंज के नगर में आज आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष संजय सिंह राजपूत के नेतृत्व में महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम किसान विरोधी बिल के संबंध में ज्ञापन सदर एसडीएम महोदय को सौंपा। साथ ही संजय सिंह राजपूत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के अहित के लिए यह बिल लाई है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रेलवे का निजीकरण कर दिया, विद्युत विभाग प्राइवेट में दे दी, और अब कृषकों को भी प्राइवेट सेक्टर में देने की तैयारी कर रही है, LIC को भी प्राइवेट सेक्टर में दे दिया। ज्ञापन देने वालों में महासचिव योगेश कुमार गुप्ता, कोषाध्यक्ष सुनील कुमार गुप्ता, मीडिया प्रभारी संतोष राजपूत, सचिव सुधाकर यादव, सचिव मनोज कुमार शाक्य सम्राट, देवेंद्र सिंह, दामोदर सिंह, शेर सिंह, राकेश कुमार असोलिया, कमल कुमार मुशीर भाई, राकीव कुरैशी आदि जनपद एवं विधानसभा कार्यकारिणी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देखिए कासगंज से संजय सिंह की यह रिपोर्ट। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संजय सिंह राजपूत है, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी कासगंज। सर, आज ने आपने जो SDM साहब को ज्ञापन सौंपा है, ये किन किन मांगों को लेकर सौंपा है आपने? जो आज SDM साहब को ज्ञापन सौंपा है, वो जो आज एक कानून लागू हुआ था
किसान विरोधी जी उसके उपलब्ध दिया है। तो किसानों को भी सरकारी मतलब प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हैं सर? कानून तो कुछ इस तरह कह रहा है। तो जिस तरीके से रेलवे का निजीकरण किया गया है और बिजली का किया गया है, इसी तरीके से कृषि को भी निजीकरण कराने के संबंध में दिया गया है। सकता है सर, यही उनका यही उद्देश्य है। ज्ञापन सौंपा हमने आम आदमी पार्टी की तरफ से, एसडीएम महोदय, सदर एसडीएम महोदय को ज्ञापन सौंपा है। उसमें कृषि सेक्टर को जो प्राइवेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो भेजा जा रहा है, पहले निजीकरण रेलवे का किया, विद्युत का किया, अब कृषि को भी प्राइवेट सेक्टर में भेजा जा रहा है, इस संबंध में हमने ज्ञापन सौंपा है। अभी के लिए बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।